हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केट्रिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने जीबी व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारे जो जीबी व्हाट्सएप यूजर्स है, वो उनका कंप्लेन आ रहा है कि उनका अकाउंट बैन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अभी आपको कुछ स्नैपशॉट दिखाऊंगा। मेरा जो जीबी व्हाट्सएप अनबैन हो गया था, मैंने उसे अनबैन कर चुका, लेकिन उसका जो प्रोसेस है मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसका फोटो लेकर रखा हूँ, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि आपको कैसा प्रॉब्लम आ रहा होगा। मतलब जैसे कि आप कभी जीबी व्हाट्सएप यूज़ करने जा रहे होंगे तब आपको ऐसा कुछ आ रहा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 20 मोर ऐसा कुछ आ रहा होगा आपको। सिंपल सा आपको क्या करना है, मैं सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वो करिए। आप अपने जीबी व्हाट्सएप को इजीली यूज़ कर सकते हो आपका अकाउंट बैन हुए बिना। सो अगर जानना है कि वो ट्रिक क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों, आप लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि रोजाना इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं। सो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं अभी एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड करूंगा, जाकर आप वो लिंक को विजिट करिए। सिंपल था, मैं गूगल क्रोम में जाइए, androidapk.free.com ऐसा जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप ये टाइप करके भी जा सकते हो। उसके अंदर आपको एक मिलेगा डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप 2.118। ये क्या है कि आप जो जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हो वो ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन के अंदर व्हाट्सएप ट्रैक कर लेता है कि कौन कौन जीबी व्हाट्सएप यूज़ करता है। तो डायरेक्टली वो ट्रैक करने के बाद जो जो जीबी व्हाट्सएप उनके अकाउंट में या फिर उनके सर्वर में लोकेट हो जाता है, उनको बैन कर देता है। सिंपल सा फंडा है। लेकिन आप अगर ये जीबी व्हाट्सएप अपडेटेड यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप को ट्रैक करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको अकाउंट बैन नहीं होता व्हाट्सएप के नज़र में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीबी व्हाट्सएप आपको बहुत पसंद है, आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका पुराना जीबी व्हाट्सएप है उसका अकाउंट बैकअप लेना होगा। अकाउंट बैकअप लेने के बाद फिर उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए पहले, लेकिन अकाउंट बैकअप ले लेना, क्योंकि जितना भी चैट्स है आपके सब चले जाएंगे अगर आप बैकअप नहीं लेते। बैकअप लेने के बाद उसको स्टोर करके रख लेना आपके मेन मेमोरी में, फिर उसको अनइंस्टॉल कर लेना। फिर आना गूगल क्रोम में, ये लिंक पे विजिट करना जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। फिर वो लिंक को विजिट करने के बाद आपको इसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करिए, फिर इंस्टॉल करने के बाद आपका नंबर डाल के वेरीफाई करिए, फिर रिस्टोर जो डाटाबेस आपने मतलब बैकअप लिया था पुराने व्हाट्सएप अकाउंट का, तो उसे रिस्टोर कर लीजिए एज ए बैकअप। फिर रिस्टोर करने के बाद आपको सिंपल सा जो जीबी व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। और मैं भी ये जो जीबी व्हाट्सएप है लगभग 2 या 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो 2-3 दिन के पहले भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं पहले अपने आप को खुद को भरोसा दिलाना चाहता था कि ये व्हाट्सएप अकाउंट काम कर रहा है बैन हुए बिना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको आपका मेरा प्रूफ दिखा दूंगा कि मैं भी 2-3 दिन से ये जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बैन नहीं हुआ है मेरा अब तक। आपका भी बैन नहीं होगा। सिंपल सा व्हाट्सएप अकाउंट मैं ओपन करके दिखा, तो देखिए दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप अकाउंट है ये मेरा जीबी व्हाट्सएप है। जैसे कि आप देख पा रहे हो चैट्स पे जीबी सेटिंग आप जैसे ही देख पा रहे हो जीबी सेटिंग देखिए दोस्तों, ये जीबी सेटिंग है, मतलब जीबी व्हाट्सएप का अकाउंट है। या दोस्तों, इसके अंदर आपको भरोसा हो गया रहेगा कि ये मेरा जो अकाउंट है ये जीबी व्हाट्सएप का है। या दोस्तों, मैं इजीली ये 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा 2-3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट बैन नहीं हुआ है। अगर ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी जीबी व्हाट्सएप अकाउंट बैन नहीं होगा। सो मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है आपको ये सब सारे स्टेप करने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सब आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। सो सिंपल सा स्टेप है, आपको पुराना व्हाट्सएप अकाउंट का अनइंस्टॉल करना है, उसका बैकअप लेना है, फिर गूगल क्रोम में आना है, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके ये व्हाट्सएप अकाउंट को डाउनलोड करना है, फिर उसे इंस्टॉल करना है, फिर नंबर डाल के वेरीफाई करके आपको बैकअप लेना है। फिर सिंपल सा आपको जीबी व्हाट्सएप मिल जाएगा आपका अनबैन हुए बिना। सो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई सुझाव होगा वो भी कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि रोजाना इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। मैं कृष्ण कुमार आपको मिलता और एक एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।